माता सुंदरी रोड पर खसरा नंबर 142-146 का जो मामला, अगर आपने सुना हो कि यहाँ डेमोलिशन किया जाएगा, तो इस वक्त में माता सुंदरी रोड पर डेमोलिशन सुबह से शुरू हो गया है और पूरे दलबल के साथ में दिल्ली पुलिस के साथ अर्बन डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी टीम माता सुंदरी रोड पर यहाँ जो झुग्गी बस्ती जो बनी है वो फिलहाल उसको तोड़ दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब इसका कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इस वजह से इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और क्योंकि ये लैंड जो है, उसको बताया जा रहा था कि वफ लैंड है, और उस वफ लैंड को के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की गई थी कि इसको रोका जाए, लेकिन फ़िलहाल वो अब पॉसिबल नहीं है। और इस वक्त यहाँ बताया गया कि करीबन 100 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, उनको भी सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल माता सुंदरी रोड पर जो माता सुंदरी गुरुद्वारा है उसके साथ में ही ये जगह है, जो कि खसरा नंबर 142 और खसरा नंबर 142-146 इसका खसरा नंबर है। फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पुलिस और पैरामिलिट्री भी लगाई गई है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके और शांतिपूर्वक बहुत ध्यान से कि किसी तरीके की कोई मिसहैपनिंग ना हो और डेमोलिशन हो जाए। फिलहाल जो है इस पूरी जगह को खाली कराया जा रहा है, और क्योंकि कल रात भर कोशिश की गई थी इस चीज़ को लेकर के, जो पहले चेयरमैन थे अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के, उन्होंने भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से उसको रोका जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं था और एक बड़े पैमाने पर ये डेमोलिशन है। तो अभी फ़िलहाल जो लोग जो यहाँ इन झुग्गियों में रहते हैं, वो अपने अपने जो ज़रूरत के सामान वगैरह हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि किसी तरीके से जितना सामान ले जा सकें वो ले जाएं। तो अभी जो पोजीशन है फ़िलहाल माता सुंदरी रोड पर, पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ मौजूद है, रिज़र्व पुलिस यहाँ दिल्ली पुलिस की लगाई गई है। प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हुए इस सबको पहले ही से प्लान किया गया था, और ज़ाहिर सी बात है कि जब इस तरह इतने बड़े जगह का डेमोलिशन हो, जहां बताया गया करीबन 8 से 10 बीघा ये जगह है और इस पे अवैध कब्जे थे सारे, उसको शांतिपूर्वक तरीके से किसी तरह इस खाली कराया जाए, तो उसके लिए कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर किया था। और अब क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो JCB मशीन्स और पूरा स्टाफ जो है वो अर्बन डेवलपमेंट से और LNDO का यहाँ पहुँच करके उसको जगह को खाली करा रहा है पूरे माता सुंदरी रोड पर। हालांकि ये लिखा भी हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये भूमि जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है, इस पर अवैध कब्जा करने वालों पर धारा 54 वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब ये बोर्ड भी अब उखाड़ फेंक दिया जाएगा, और जो लोग हैं वो अपना अपना यहाँ से झुग्गियों में से सामान लेकर के जा रहे हैं, जिसका जो बन पड़ रहा है हाथ में, जो चीज़ जिसकी आ रही है वो अपना अपना सामान लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। और कुछ ही देर में ये पूरी जगह, ये खसरा नंबर 142 और 146 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है ये जितना अखबारों में भी 2-3 दिन लगातार इसकी कवरेज की गई, बराबर बताया गया कि ये जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन बावजूद इसके वक्फ को एक्सपार्टी मान लिया गया, और उसके बाद फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद आज उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आप लोग यहाँ कब से रहती हैं? यहाँ पे हो गए 25 साल। अच्छा, फिर अचानक ये क्या हुआ कि एकदम से खाली कराया जा रहा है बिना नोटिस के, बिना किसी उसके? उन्होंने तो नोटिस ही नहीं दिया हमें, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी कर सकते हैं। बोर्ड की जगह है, सरकारी जगह थी ये। सरकार सरकार से लड़े ना, यहाँ पे गरीबों को चढ़ा दिया, ना कोई नोटिस दिया ना कुछ बोला, इन्होंने आगे फेर दिया इन्होंने सब कुछ, और जगह के बदले जगह नहीं दे रहे, जगह के बदले कोई जगह नहीं दे रहे ये लोग, कोई और ठिकाना तो दे, कुछ तो दे। आप लोग कहाँ, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, हम तो कहाँ जाएंगे, तीन महीने का टाइम तो देना चाहिए था, यहाँ पे नोटिस दे रहे चाहिए, टाइम दे रहे हैं बच्चे स्कूल गए हुए, हम यहाँ सामान निकाल रहे हैं, बच्चे कहाँ आएंगे कि हम सड़क पे बच्चों को लेके बैठेंगे स्कूल से बुलाकर। अरे पाँच आप लोगों के मीटर पानी के कनेक्शन सब हुआ हुआ यहाँ, सब चीज़ पास, राशन कार्ड सब कुछ बना हुआ है, राशन कार्ड पासपोर्ट सब चीज़ बना हुआ है, यहाँ पे मीटर सब कुछ बना हुआ है, क्यों यहाँ पे मीटर लगाए इन लोगों ने, सब चीज़ ये देते, ये बताओ आप।
मीटर क्यों लगाए, पानी का बिल, बिजली के बिल क्यों भेज रहे थे ये लोग? 30-35 साल अब बच्चे स्कूल, 30-35 साल से बता रहे हैं कि इस जगह पर रहते थे, यहाँ पर इनके बिजली के कनेक्शंस, पानी पानी के कनेक्शंस, मीटर सभी चीज यहाँ मौजूद है। और क्योंकि एक जब जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर डेमोलिशन है तो चले गए, आज ये खाली करेंगे हम, ये लोग सिर्फ कल के गए, आज आके इन्होंने ये सब कुछ तोड़ दिया। पहले ये कहते थे कि बाहर करेंगे, अंदर कोई डिसमेंटल नहीं करेंगे, अभी यहाँ छोटे छोटे से बच्चे हैं, नाजुक बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, एक्चुअल क्या सब अब सबको हटा रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये बताओ आप, पहले कहते थे कुछ नहीं होगा, आप लोग शांति बनाए रखो, आप लोग यहीं पर रहो, और सुबह आने के बाद इन्होंने भी चालू कर दिए कार्य। अब ये कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या करा जाए, स्कूल जाएंगे? यहाँ कितने परिवार रहते हैं? यहाँ कम से कम 200 परिवार रहते हैं, 200 से ज्यादा फैमिलीज यहाँ पर हैं, और ये छोटे छोटे मकान रहती है, कुछ कहने की अपनी छोटे छोटे से मकान है, कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को, 200 फैमिलीज रहती हैं यहाँ पर। इनका मीटर भी लगा हुआ, ये मीटर यहाँ पे फाड़ दिया, मीटर यहाँ लगा हुआ था बिजली का, और फिलहाल उसको हटा दिया गया है। और तमाम ये जो लोग हैं ये अब मजबूर हैं कि अब सड़कों पर खुले आसमान के नीचे अपना वक्त गुजारें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब जब यहाँ से इनको उजाड़ा जा रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये वक्फ लैंड था, जिसका अभी मैंने आपको ये दिखाया कि बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था वक्फ बोर्ड की तरफ से कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, बावजूद इसके ये इतना इतनी बड़ी जगह को इस तरीके से अचानक से जाहिर है जब ये जा रही है, और 100-150 से ज़्यादा यहाँ झुग्गियाँ, तो ऐसे हालात के अंदर इनका सड़कों पर आना लाजमी है। और क्योंकि फ़िलहाल अब ये अपने घर का जितना भी बचा कुचा सामान या जो भी कुछ हाथ से डिमोलिशन से पहले पहले निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी जगह है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 5-6 हज़ार गज में ये बनी हुई है। अभी फ़िलहाल मैं जिस तरफ आया हूँ इधर तो JCB बुलडोज़र वगैरह नहीं पहुँचा है, इन लोगों को वक्त दिया जा रहा है कि जो आप लोग अपना जो सामान है उसको यहाँ से जल्द हटा लें, और लोग कोशिश भी यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो अपना ज़रूरत के जो सामान है जिसमें TV, फ्रिज, अलमारी वगैरह, कूलर वगैरह, उस सबको यहाँ से हटा रहे हैं। और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ कब्रें हैं, सारे गजट नोटिफिकेशन हमारे पास हैं, और अभी चिट्ठी लिखी है रेवेन्यू सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार के, कि उसने ये कहा है कि ये वक्फ लैंड है और 100 साल पुराना यह कब्रिस्तान है, हमारे कब्जे में है, और हमारा गजट नोटिफिकेशन इसका जो है, हमें गजट नोटिफिकेशन में हमारा वक्फ बोर्ड का है, वो अभी किसी ने चैलेंज नहीं किया है, तो ये ज़मीन हमारी है। लेकिन आज यहाँ मोदी सरकार का जो UD डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, वो यहाँ पर कब्रों को तोड़ रहा है, मज़ारों को तोड़ रहा है, कब्जा कर रहा है। DCP कमिश्नर सारे इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई आप काम रुकवा दो, जो आदमी हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, जो भी डायरेक्टर LNDO है, आप उसको बुलाओ, उससे बात करो, और उससे डॉक्यूमेंट्स मांगो, कम से कम अपने डॉक्यूमेंट्स तो दिखा दे। लेकिन ये किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। आज हम बेबस हैं इस मुल्क में, जिस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारा भी हाथ था, इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का भी हिस्सा था, लेकिन आज RSS भाजपा के इशारे पर हमारे न कब्रें महफूज हैं, न कब्रिस्तान महफूज हैं, न मस्जिदें महफूज हैं। अब एक सहारा सिर्फ अवाम से है। मुसलमानों से मेरी अपील है कि भाई कब तक आप सोओगे? जो सेकुलर हिंदू है, सेकुलर मुसलमान है, जो सारे लोगों से अपील है कि भाई आप कम से कम घर से निकलो, ये जुल्म हो रहा है। अगर आज मुसलमानों का कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है, आज मस्जिदें महफूज नहीं है, उनकी आबरू महफूज नहीं है, तो कब तक आप सोते रहोगे? आप कम से कम घर से निकलो। मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह से, इंतज़ार कर रहा हूँ, इतना बड़ा पुराना दिल्ली का इलाका है, कोई आने को तैयार नहीं है। कभी कम से कम आओ, आज तुम्हारे कब्रिस्तान कब्जाए जा रहे हैं, कल तुम्हारी मस्जिदें कब्जाए जाएंगी, घर कब्जाए जाएंगे, तुम्हें निकाला जाएगा। तो ये आज डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम मजबूत होने के बावजूद भी आज बेबस हैं, बेसहारा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी इनसे बात कर रहा है, मैंने इनसे कहा, कमिश्नर से बात हुई, सबसे बात हुई, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं काम नहीं रोकूंगा। हाँ, लेटर दिखाया, ये लेटर है जी, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी का लेटर है, इससे बड़ा अफसर कोई नहीं होता है। ये IAS अफसर है, सेक्रेटरी है दिल्ली सरकार का, ये कह रही है कि हमारा है वक्फ बोर्ड, इसी के अंडर वक्फ बोर्ड आता है, तो ये वक्फ बोर्ड की लैंड है वो कह रही है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है और ये बेबस। वो कहते हैं डायरेक्टर आएगा, बात करेगा जी, लेकिन मैं काम नहीं रुकवाऊंगा। मैं DCP साहब से बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप काम रुकवा दो, लेकिन काम रोकने को तैयार नहीं है। और डेवलप आज कब्रें तोड़ी जा रही है, खुलेआम देखो इधर, आप देखो बुलडोजर चल रहा है और हजारों पुलिस वाले लगा करके। छोटी बात है।